नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। थर्ड स्टैंडर्ड की आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ इर्रेगुलर प्लूरल्स। इर्रेगुलर प्लूरल से पहले बेटा हमने रेगुलर प्लूरल का टॉपिक किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो पूरी देखनी है वो भी, और ये भी पूरी देखनी है अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो। ठीक है बेटा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, एक एक लाइन एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, चलिए इर्रेगुलर प्लूरल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रेगुलर प्लूरल के बारे में बता दूं। रेगुलर प्लूरल कौन सा होता है बेटा? प्लूरल्स में पढ़ा था ना कि जिसमें किसी भी वर्ड के पीछे एस लगाना, ई एस लगाना। ई एस कब लगाते हैं? जब किसी भी वर्ड के पीछे एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर ओ आ जाता है। फिर अगर किसी वर्ड के पीछे एफ या एफ ई आता है तो वी ई एस लगा देते हैं। एक और नियम क्या था कि अगर किसी कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ जाए तो वाई को काट कर हम आई ई एस लगा देते हैं। ये सारे रेगुलर प्लूरल थे, यानी इनका कुछ नियम था। अब ये इर्रेगुलर प्लूरल कौन से होते हैं बेटा? सम नाउन्स हैव डिफरेंट फॉर्म इन प्लूरल, दे हैव इर्रेगुलर प्लूरल। कुछ नाउन की डिफरेंट फॉर्म होती हैं प्लूरल में, उनके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, उनको इर्रेगुलर प्लूरल बोलते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से हैं बेटा? कुछ एग्जाम्पल के से समझेंगे। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, पहले भी बताया हुआ है मैंने। प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है बेटा, अब ये क्या है? फुट। फुट, डबल ओ की जगह हमने डबल ई लगा दिया, फिट। चाइल्ड, चिल्ड्रन। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, चिल्ड्रंस लिख देते हैं, वो गलत है बिल्कुल, वो नहीं करना है कभी भी, ध्यान रखिएगा। मैन, मेन। वुमेन, वुमेन। टूथ, टीथ। माउस, माइस। ऑक्स, ऑक्सन। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक्स आ गया। अगर रेगुलर की बात करते तो एक्स के बाद ई एस लगता, बट ये इर्रेगुलर है तो ई एस नहीं लगा, यहाँ पे ऑक्सन लगा दिया, है ना बेटा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की, इनको इर्रेगुलर प्लूरल्स बोलते हैं। इनको हमें लर्न करना पड़ेगा बेटा, कि फुट को फीट बोलते हैं। ठीक है, इनको लर्न करना पड़ेगा, इनके लिए नियम लागू नहीं है तो उनको याद करना पड़ेगा, राइट। कुछ पिक्चर्स के बिहाफ पे मैं अगर आपको समझा दूं, ये हैं फुट, ये हैं चिल्ड्रन, टीथ, ऑक्स, ऑक्सन। पहले बैलों से खेती होती थी बेटा, आजकल ट्रैक्टर से ही होने लगी है और बड़ी बड़ी मशीनों से होने लगी है, पहले बैल से ही खेती होती थी बेटा। चलिए एक आगे क्या है? सम सिंगुलर नाउन्स रिमेन द सेम व्हेन दे बिकम प्लूरल। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं बेटा जो एक जैसे रहते हैं, यानी सिंगुलर में भी, एक वचन में भी और प्लूरल में भी, दोनों जगह वो एक जैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर, प्लूरल। फिश को हम फिश ही लिख सकते हैं, फिशेस भी लिख सकते हैं, फिश भी ठीक है, फिशेस भी ठीक है। बिसन, बिसन एक एनिमल है बेटा ये, ठीक है, जो पीछे से ना भैंस जैसा होता है और आगे से इतने बड़े बड़े बाल होते हैं इसके, ठीक है। एयरक्राफ्ट, डियर, डियर, डियर। शेप, शेप। ठीक है बेटा, ये सारे एक जैसे रहते हैं, ठीक है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब बेटा वर्ड, नेक्स्ट इज वर्ड यूज्ड इन प्लूरल। कुछ वर्ड ऐसे हैं बेटा जो प्लूरल में वो यूज करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ नाउन्स कहते हैं उनको बेटा, यानी कि जिसमें क्लॉथ्स और टूल्स आ जाते हैं। कोई भी क्लॉथ जैसे ट्राउज़र, जीन्स, शॉर्ट्स, उनकी टू लेग्स होती है ना बेटा, तो टू लेग्स के बिहाफ पर उनके पीछे एस ही लगाया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब जैसे सीजर है, सीजर दो टूल को मिला के बनती है, दो हिस्सों को मिलाकर बनती है, तो दोनों हिस्सों को मिलाने से एक टूल बन गया, तो इसके पीछे भी एस लगा दिया जाता है बेटा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ग्रुप्स वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा हम, सिंगुलर और प्लूरल। टू ग्रुप्स ऑफ नाउन आर यूज्ड इन प्लूरल ग्रुप्स। फर्स्ट क्या है बेटा, स्पेक्स। स्पेक्स ग्लासेस, इसमें भी दो हिस्से होते हैं ना, हाफ ये दोनों को मिला के बन गया हमारे यहाँ चश्मा, हमारी ऐनक। ठीक है बेटा, और सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों में सेम रहता है। ट्राउजर्स, देखो बेटा दोनों जगह सेम है एस एस, क्यों? क्योंकि दोनों में लेग आती है, ये पाँव में ये ट्राउज़र इस प्रकार से हमारे लेग में फिट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जीन्स अगेन सेम। ठीक है, सीजर्स, सीजर, सीजर देखो बेटा दो हिस्सों को मिला के एक सीजर बनती है बेटा, है ना, ये दो हिस्सों को मिलाकर एक सीजर बनी ना, तो ये भी सीधा ही प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स ये निकर इस टाइप के हम खेलते हुए या रात को सोते हुए भी कई बार पहन लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड है ना बेटा, पूरे सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, पहला क्या है, ग्रैंडफादर वियर्स हिज ओनली वाइल रीडिंग। रीडिंग पढ़ते हुए क्या पहनते हैं, स्पेक्स ही तो पहनेंगे बेटा, ग्लास, ग्लासेस। ठीक है, स्पेक्स, स्पेक्टेकल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज आई वियर वाइट डैश एंड ब्लैक शूज टू स्कूल। ब्लैक शूज के साथ क्या पहन के जाते हो बेटा, वाइट सॉक्स ही तो पहनते हो। सॉक्स का भी पेयर होता है ना, जोड़ा होता है, इसीलिए पहले से ही एस लगाया है। शूज का भी तो जोड़ा होता है ना बेटा, इसीलिए पहले से ही तो एस लगा दिया। नेक्स्ट इज वी यूज अ पेयर ऑफ, पेयर ऑफ टू कट क्लोथ्स एंड पेपर। पेपर और क्लोथ को कट करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, सबको मालूम है, सीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द आयरन इज हॉट, अगर आयरन हॉट है, गर्म है, मेरे कपड़े को, न्यू कॉटन के ट्राउजर को बर्न कर सकती है, वो होल कर सकती है ट्राउजर में। ठीक है ना, ट्राउजर्स। ठीक है बेटा, ट्राउजर आ जाएगा इसमें, ये रहा ट्राउजर। नेक्स्ट इज आई वियर, वियर डब्ल्यू ई ए आर होता है बेटा, आई वियर माई डैश एट बेड टाइम। बेड टाइम में क्या पहनते हैं बेटा, पायजामाज। एस क्यों लगाया, दो लेग्स आ जाती है ना उसमें, पेयर बन जाता है उसका। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट इज डैश हेल्प टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सन। सन से कौन प्रोटेक्ट करता है हमारी आईज को, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस। ये सारे बेटा, ठीक है, रिवीजन करते हैं बेटा, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इर्रेगुलर प्लूरल्स, ऐसे प्लूरल, ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिन पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट प्लूरल का कोई नियम लागू नहीं होता, ऐसे को इर्रेगुलर प्लूरल्स बोलते हैं। जैसे हमने फुट को फिट लिख दिया, फुट्स नहीं लिखा, ऑक्स को ऑक्सन लिख दिया। ठीक है, ईएस नहीं लगाया इसके पीछे, एक्स के पीछे जैसे ईएस लगता है रेगुलर प्लूरल में। चाइल्ड, चाइल्ड को हमने चिल्ड्रन लिख दिया। ठीक है बेटा, ये ऐसे जिन पे कोई नियम अच्छे से लागू नहीं हो रहा है ना, तो उनको इर्रेगुलर प्लूरल बोलेंगे। ठीक है बेटा, जैसे डियर है, डियर को सेम डियर ही लिख दिया, शीप, शीप ही लिख दिया। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे हैं जो पेयर में आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, ग्रुप्स वालों को क्या बोलेंगे बेटा, सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में सेम रहते हैं वो, जैसे कि हमने जीन्स लिख दिया, दोनों में सेम आएगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। शॉर्ट्स लिख दिया, दोनों में सेम आएगा। सॉक्स लिख दिया, दोनों में सेम आएगा। शूज़ लिख दिया, दोनों में सेम आएगा। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे जो प्लूरल्स हैं वो इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं बेटा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा। वीडियो को स्किप मत किया करें बेटा, वीडियो कंप्लीट देखने से ही पूरा अच्छे से समझ आएगा। इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हैं, आप देख लीजिएगा। प्लस अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा ताकि मैं जो वीडियोस बना रहा हूं वो आपके पास जल्दी पहुंचे और आप उससे जल्दी कुछ ना कुछ सीखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कीप स्माइलिंग, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।